सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चार बेहतरीन शेयर्स के बारे में। इन शेयर्स ने पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, साथ ही साथ आगे भी इन शेयर्स में काफी बढ़िया तेजी बनने की उम्मीद नजर आती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस लिस्ट में जो पहला शेयर है उसका नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। अगर देखिए शेयर के पी रेशियो की बात करें तो 58.12 के आसपास इसका पी रेशियो है, वहीं सेक्टर के पी रेशियो की बात करें तो 23.5 के आसपास है। यानी कि इस प्राइस पर ये जो शेयर है थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसके पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं निचले स्तरों से करीब 400% इसने रिटर्न दिया है। यानी कि निचले स्तरों से करीब 4 गुना यह शेयर होता हुआ नजर आया है मात्र एक साल के अंदर। तो देखिए काफी बढ़िया रिटर्न यहां पर मिले हैं। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट काफी स्ट्रांग है और यहां पर अप ट्रेंड में ही अभी तक बना हुआ है। और अगर पिछले वीक की बात करें तो यहां पर काफी बढ़िया ब्रेकआउट भी इस चार्ट में देखने को मिला है और इस वीक में इस ब्रेकआउट का यहां पर कंफर्मेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन वो आपको यहां पर सही मौके की तलाश में रहना है और सही समय पर ही एंट्री करना है, क्योंकि अगर अच्छे शेयर में भी गलत समय पर एंट्री की जाए तो उसमें भी लॉस की संभावनाएं होती हैं। वहीं अगर नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर है यहां पर अडानी टोटल गैस लिमिटेड। देखिए अडानी के जितने भी शेयर्स हैं काफी बढ़िया उनमें रिटर्न देखने को मिला है और ये अगर इस शेयर में अगर पी रेशियो की बात करें तो यहां पर 267.57 के आसपास चल रहा है, वहीं सेक्टर के पी रेशियो की बात करें तो 23.01 के आसपास है। यानी कि ये शेयर काफी ज्यादा ओवर वैल्यू यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की तो यहां पर करीब 285% का रिटर्न निवेशकों को मिला है, यानी कि यहां पर ओवरऑल कहें तो करीब 300% का रिटर्न मिला है। यानी कि निचले स्तरों से ये शेयर करीब 3 गुना होता हुआ नजर आ रहा है, काफी बढ़िया रिटर्न यहां पर निवेशकों को मिला है। वहीं अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पर मूव आई थी और उसके बाद हल्की सी यहां पर गिरावट देखने को मिली और करीब 750 रुपये के आसपास से यहां पर एक सपोर्ट देखने को मिला और उसके बाद शेयर वापस से 1400 रुपये की रेंज में पहुँचता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर भी आपको सही मौके की तलाश में रहना है और यहाँ पर सही मौके पर और सही समय पर इसमें एंट्री करना है, जिससे आपको लॉस ना होने पाए। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर यहां पर है यहां पर राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। तो देखिए ये शेयर का अगर पी रेशियो देखें तो 28.21 के आसपास है और सेक्टर का पी रेशियो की बात करें तो करीब 22.37 के आसपास है, यानी कि लगभग अपने पी रेशियो के आसपास ये बना हुआ है, यानी कि अभी भी इस शेयर में ग्रोथ की उम्मीद है। तो देखिए यहां पर अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस नजर डालें तो करीब 350% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है, यानी कि करीब 3.5 गुना ये बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले एक साल के अंदर। तो काफी बढ़िया ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली है और देखिए अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो चार्ट यहां पर भी काफी मजबूत है और अप ट्रेंड में यहां पर बना हुआ है। हालांकि इसने जो हाई बनाया था 2526-2700 रुपए के ऊपर का हाई बनाया था, उसके बाद शेयर में गिरावट दर्ज की गई और देखिए गिरावट तो अभी बीच में प्रेशर का माहौल आया था तो सभी में हुई थी और ये एकदम सपोर्ट जोन के आसपास टर्न लेने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पर भी आपको सही लेवल देखकर यहाँ पर एकदम सही लेवल पर एंट्री करनी है, जिससे आपको यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं खत्म हो जाएं। तो देखिए ये शेयर भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुका है, आगे क्या करेगा इसकी रणनीति इसके परफॉर्मेंस पर नजर अभी रहेगी, लेकिन शेयर के पिछले परफॉर्मेंस को देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये नज़र आता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट शेयर की तो नेक्स्ट शेयर भी अडानी ग्रुप का ही है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इसने भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो 161.37 के आसपास है और सेक्टर का पी रेशियो करीब 10.89 के आसपास है, यानी कि ये भी काफ़ी ओवर वैल्यू नज़र आ रहा है। और देखिए पिछले एक साल के परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को हम देखें तो यहाँ पर 354.15 यहाँ पर परसेंट के आसपास इसने अपने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, यानी कि इसमें भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और पिछले एक साल में ये करीब 3.5 गुना होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखें चार्ट अप ट्रेंड में है और इसने जो हाई बनाया यहाँ पर करीब 1655 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद प्रेशर के कारण नीचे गिरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 800 रुपये के आसपास से इसने सपोर्ट लिया 800-900 रुपये के आसपास से, और उसके बाद इसमें लगातार पिछले करीब 5-6 वीक से तेजी देखने को मिल रही है और शेयर आप देख सकते हैं 750 रुपये से लेकर डायरेक्ट यहाँ पर अब 2000 रुपये के आसपास तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर पिछले 1-1.5 महीने की ही बात करें तो शेयर डबल हुआ है, डबल क्या यहाँ पर ट्रिपल के आसपास होता हुआ नज़र आया है। और अगर देखिए पिछले मैंने एक साल की बात करी थी तो वहाँ करीब 3.5 गुना के आसपास शेयर हुआ था और देखिए यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न लोगों को मिलते हुए नज़र आए हैं। तो देखिए ये चार शेयर मैं आपके लिए लेकर आया था जो कि काफ़ी बेहतरीन लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए मैंने आपको केवल इसके लिए बताया कि यहाँ पर जानकारी दी कि पिछले कुछ सालों में कौन से शेयर हैं जिनने बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन शेयर को जाके तुरंत खरीद लेना है। आपको इन शेयर में जाके पहले अच्छे लेवल का इंतज़ार करना है, अच्छे एंट्री पॉइंट का इंतज़ार करना है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे शेयर में भी गलत एंट्री करते हैं, गलत प्राइस पर एंट्री लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहां पर भी लॉस होता है। तो यहां पर आपको एंट्री का जरूर ध्यान रखना है। और देखिए ये शेयर काफी बेहतरीन है और यहां पर लोगों इन्होंने प्रूव भी किया है, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया। तो आई थिंक आपको ये शेयर्स देखकर पसंद आए होंगे और आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे और इन पर हमेशा ही नजर रखेंगे। तो देखिए अगर ये शेयर्स पसंद आए हैं, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।